لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما गुज़श्ता तीन रातों में कुरान मजीद की सूरतुल असर में बयान करदा दो नुस्खे कीमिया का तस्करा हुआ और पहली रात इजमाली तौर से सूरतुल असर का खुलासा पेश किया गया था। ये बात जहन नशी रहनी चाहिए कि अल्लाह ने कसम खाकर इंसान के खसारे और नुकसान में होने का तस्करा किया है और साथ साथ खसारा और नुकसान से बचने के लिए कुछ तदबीरें भी सिखलाई, कुछ औसाफ की रहनुमाई भी की है, कुछ खूबियों का तस्करा भी किया है कि अगर कोई इंसान इन खूबियों को अपना लेता है तो वो इंसान नुकसान से दोचार नहीं होगा। जिन चार खूबियों में से 23वीं और 25वीं रातों में दो खूबियों का तस्किरा आपके सामने हो चुका है, इंशाअल्लाह रहमान आज की इस रात में तीसरी खूबी का तस्किरा और आइंदा 29वीं शब में सूरतुल असर में बयान करदा चौथी खूबी का जिक्र किया जाएगा। एक बार सूरतुल असर को अपने जहन में रखिए। वल असर कसम है जमाने की, इन्नल इंसान लफी खुसर, यकीनन इंसान घाटा में है। इल्लल लदीन आमनू, मगर वो इंसान घाटे से बचा हुआ है जिसने ईमान कबूल कर लिया। वामिलु सालिहात, वो इंसान भी खसारे से महफूज है जिसने अपने ईमान को अमल साले के जरिए से आरास्ता और पैरास्ता कर लिया। और वो इंसान भी नुकसान से बचा हुआ है जिसने हक बात की वसीयत को अपने जिम्मे लाजिम कर लिया। और वो इंसान भी खुसरान और नुकसान से बच सकता है जो इंसान खुद भी सब्र और तहम्मुल से काम लेता और साथ साथ हक पर अमल पैरा होने के नतीजे में जो मसायब व मुश्किलात परेशानियाँ और दिक्कतें आती हैं उन पर वो सब्र करता और सब्र करने की तलकीन भी करता है। यानी ईमान, अमल साले, हक बात की वसीयत और सब्र करने की तलकीन, ये चार खूबियाँ ऐसी हैं जिनके पाए जाने के नतीजे में
इंसान नुकसान से बचा हुआ रहता है, बचा हुआ है और आइंदा भी बचा रहेगा। आज हम तीसरी हिकमत की तरफ या तीसरी नसीहत की तरफ या तीसरी दावत की तरफ या तीसरे पैगाम की तरफ या तीसरा नुस्खा और तीसरी खूबी की तरफ आपके तवज्जुहात को मबजूल करना मुनासिब समझते हैं। वह है वतवासव बिल हक, जिसने हक बात की वसीयत की। लफ्ज वसीयत पे अगर गौर करेंगे तो ये बात आपके जहन में रहनी चाहिए, इंसान वसीयत उस वक्त करता है जब उसको लगता है कि दुनिया से चल चलाओ का वक्त है, उस वक्त में वसीयत करता है। अगर यह इस माना में वसीयत को लिया जाए तो इंसान को यह जहन में रखना चाहिए कि हमारी जिंदगी का कोई ठिकाना नहीं किस वक्त हम यहां से चले जाएं, इसलिए हर घड़ी हर लम्हा हर वक्त हर पल हमें हक बात की वसीयत करते रहना चाहिए, ताकि कहीं ऐसा ना हो कि हक हमारे सामने दम तोड़ रहा था और उससे पहले हम ही दम तोड़ दिए। इसलिए लफ्ज वसीयत से ताबीर किया गया। रहा मामला हक, हा और का हक, हक यहां हम दो मानों में इस्तेमाल करते हैं। हक मबनी पर हकीकत, सच्ची और पक्की बात, अदल इंसाफ के मुताबिक बात और अदल इंसाफ के मुताबिक काम को हक कहा जाता है। दूसरी बात, हक जिसका अदा करना लाजिम होता है, वो कभी अल्लाह का हक होता है, कभी बंदों का हक होता है और कभी इंसान पर इंसान का अपना हक होता है। फिर बंदों के हकूक की तफसीलात है, इंशाल्लाह उसकी वजाहतें बिल्कुल इख्तिसार आपके सामने आएंगी। खुसरान और नुकसान से बचने के लिए ईमान जरूरी है। ईमान को बचाए रखने के लिए अमल साले जरूरी है और अमल साले को बचाने के लिए तवासी बिल हक जरूरी है और तवासी बिल हक को बचाने के लिए तवासी बिल सब्र जरूरी है। गोया तरतीब वार ये चीजें हैं। अगर आप ईमानदार हैं तो आपका ईमान महफूज नहीं रह सकता जब तक कि अपने ईमान को आमाल सालिहा के जरिए से आरास्ता और पैरास्ता करके न रखें। और अगर अपने आप अगर आपने आमाल सालिहा बजा लाया, अच्छे आमाल कर रहे हैं और करते रहने का तहिया किए हुए हैं, तो आपका अच्छा अमल बरकरार नहीं रह सकता है या फलता और भूलता हुआ नजर नहीं आएगा जब तक के उस अच्छे अमल का प्रचारक अपना बनेंगे, उसको लोगों तक पहुंचाएंगे नहीं। और अगर आपने लोगों को पहुंचा दिया, पहुंचाने के बाद उसके मुताबिक इंसान ने अमल किया, अमल करने के नतीजे में दिक्कतें आई, उनकी घेराबंदी कर दी गई, समाज और सोसाइटी में उसका सोशल बायकॉट कर दिया गया, परेशानियों में और मुसीबतों में घेरा गया, रास्ते उनके मसदूद कर दिए गए, गलियां उनकी तंग बना दी गई, जिनका जीना उनका दूभर कर दिया गया, ऐसे मौका पर अगर कोई इंसान ऐसे लोगों का पुरसान हार नहीं होगा, फिर वहां भी हक तोड़ सकता है, दम तोड़ सकता है। इस मुनासिबत से कहा गया कि हक पर अमल पहरा होने के नतीजे में जो दिक्कतें और परेशानियां आए, उस पर सब्र और तहम्मुल के दामन को थामे रखोगे तभी तुम्हारा हक पर जमना
साबित हो सकता है और हक पर जमना मुमकिन रह सकता है। तरतीब में आइए, ईमान लाना ज़रूरी है नुकसान से बचने के लिए, ईमान को बचाना ज़रूरी है, उसके लिए आपके लिए लाजिम है अमल साले कीजिए। अमल साले को बचाना ज़रूरी है, उसके लिए लाजिम है कि आप हक बात की वसीयत कीजिए। हक बात की वसीयत पर सबात कदमी के लिए ज़रूरी है कि आप सब्र तहम्मुल के दामन को थामिए और लोगों को सब्र करने की तलकीन करते रहिए। अब आइए अमली मैदान में इस सिलसिले में कुछ बातें आपके सामने आ जाए। हक, जिसको हमने हक समझा, अगर वाकई हक है तो हक का प्रचार करना भी हमारे जिम्मे लाजिम है। अगर हमने हक को अपने हद तक महदूद रखा, गोया हमने उस हक की जागीरदारी तसव्वुर की, उस पर हमारी बबौती साबित हो रही है, वो हमारे पास है और आगे बढ़ना ही नहीं। याद रखिएगा कि हालात जब खराब हो, आवागावा बिगड़ा हुआ हो, समाज और सोसाइटी में बुराइयां बिल्कुल आम हो, वहां किसी इंसान को ईमान की दौलत नसीब हो जाए, यह बहुत बड़ी बात है। इससे बड़ी बात यह है कि जिस ईमान को अपने दिल में आपने बसाया है, उसे दिल तक महदूद न रखा जाए, बल्कि उसके ऐलान जबान से कीजिए और उसका इजहार अपने आमालों जवारे से कीजिए। उस ईमान पर एक अहम चीज ये, इसी तरीके से अगर आपने हक समझ लिया, हक के मुताबिक अमल कर लिया, तो अपने हक तक अगर आपने हक को महदूद रखा है, ये भी बहुत बड़ा कमाल नहीं है। इससे बड़ा कमाल ये है कि हक पर अमल करने में अब अकेला मत रहिए, बल्कि हक के पहचानने वाले लोगों की जमात तैयार कीजिए। और फिर आपने दावत तबलीग का फरीदा अंजाम दिया, हक के लोग सपोर्टर पैदा हो गए, हक के दाई के साथ हिमायत करने वाले अफराद तैयार हुए और कुछ लोगों ने हक को कबूल कर लिया, और नतीजे में दिक्कत आई, परेशानी आई, मुसीबतें आई, तो उस वक्त में हक के दाई की भी जिम्मेदारी है, वो खुद भी सब्र करे, जमे रहे, और जिन जिन को दावत दिया है और जिन्होंने आपकी दावत के नतीजे में हक को कबूल कर लिया है और जिन जिन को हक के कबूल करने के नतीजे में मसायब व आलाम से दो चार किया जा रहा है, ऐसे इंसान की दिलजोई करना, उसे सब्र की तलकीन करना, उन्हें तसल्ली देना, ये उससे बड़ी बात है। अब भाई इस तरफ हम आते हैं, तवासौ बिल हक, नुकसान से बचने के लिए तीसरी सिफत यह है हक बात की वसीयत करना। हक है क्या चीज? अगर हम में से कुछ लोगों ने ईमान कबूल कर लिया, बड़ी बात है, इसमें कोई शक नहीं, और ईमान कबूल करने के साथ साथ अपने ईमान को आमाल सालिहा से आरास्ता पैरास्ता कर लिया, ये उससे बड़ी बात है, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन आपने हक को अपने हद तक महदूद किया है, हक महदूद रहने वाली चीज नहीं है, उसका इंकशाफ होना चाहिए, उसका इधार होना चाहिए, उसका बरमला ऐलान होना चाहिए। अगर आपने हक समझा है तो हक का ऐलान कीजिए। अगर आपने हक का ऐलान नहीं किया, इसका मतलब है आप ये समझते हैं कि ऐसा हक है कि जिसका ऐलान नहीं होना चाहिए, वो हमारे अंदर महदूद रहे, और ये बुनियादी भूल है। अब इस तरह समझिए, जब जब अल्लाह तबारक व तआला ने जिस जिस दौर में, जिस जिस इलाके में, जिस जिस खानदान कुम्बा में नबी और रसूल को भेजा है, उस वक्त के हालात का जायजा लीजिए। इलाके के सब लोग बिगड़े हुए हैं, वहां अल्लाह तबारक व तआला ने
नबी को इलाकाई खुराफात से बचाए रखा। हर नबी पैदा होते ही समाज और सोसाइटी की तमाम तर खराबियों से हमेशा वो किनारा कशी इख्तियार किए रहते हैं, उन पर किसी किस्म की शिर्क का धब्बा नहीं होता, मुनाफिकत की बीमारी का शायबा नहीं होता, कुफ्र करने की कोई सूरत नहीं होती और समाजी बुराइयों से उनको कोई दिलचस्पी नहीं होती, बल्कि हमेशा अपने आप को बच बचा के रखते हैं। बेदाग उनकी जिंदगी गुजरती है। उस बेदाग जिंदगी गुजारने वाले इंसान को सबसे पहले अल्लाह तबारक व तआला ईमान की दौलत से मालामाल करता है और कहता है कि अपने ईमान को मुजय्यन कीजिए और अपने आमाल के जरिए से दुनिया वालों को ये दिखाइए कि एक इंसान जो नुकसान से बचता है वो मोमिन बनता है, और मोमिन होने के लिए साथ में उसका अमल इस तरह होता है कि समाज में सबकी जानिब से उनकी तरफ निगाह उठती है, उंगली उठती है, वो अच्छा इंसान जा रहा है। कभी उनके बारे में उल्टे सीधे जुमले बोलने की जरूरत नहीं होती। आखिर में देख लीजिए आप, मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 40 साल तक मक्का वालों के दरमियान बिल्कुल ही बेदाग जिंदगी गुजारी है। किसी को आप पर इतराज नहीं था, सब ने आपके बारे में कहा यह सादिक है, बड़ा सच्चा इंसान है, यह अमीन है, यह अमानतदार, इनके पास अमानत रखी जा सकती है, यह फैसला करने की लियाकत और सलाहत रखते हैं, अपने झगड़ों का फैसला इनसे कराया जा सकता है वगैरह। तो हर दौर में जिसको अल्लाह ने नबी बनाया, पैदाइश से लेकर वफात तक उन्हें हर किस्म के इल्जाम से बरी रखा और हर किस्म की गलतियों से पाक और साफ रखा, गोया उन्हें ईमान की दौलत दी गई। फिर ईमान के बाद कहा गया आपने ईमान कबूल किया है, दिल में कबूल किया, अब जबान से इजहार कीजिए। आपने जिस पर ईमान लाया उसका इजहार कीजिए, अल्लाह पर ईमान लाया उसका इजहार कीजिए, फरिश्तों पर ईमान लाया उसका इजहार कीजिए, आसमानी किताब पर ईमान लाया उसका इजहार कीजिए, आप रसूल हैं अल्लाह के रसूल होने पर आपका ईमान है उसका इजहार कीजिए, तकदीर की खैर और शर पर ईमान है इसका इजहार कीजिए, आखरत पर आपका ईमान है इसका इजहार कीजिए। तो जबानी इजहार भी होता है और अमली इजहार भी होता है, जबानी इकरार भी होता है और अमली इजहार भी होता है, ये है ईमान और अमल साले। इसलिए पहले बात आई थी ईमान नाम ही है दिल से तस्दीक करने का, जबान से इकरार करने का और आज़ा और जवारे से आमाल बजा लाने का। आजकल बहुत सारे लोग आप देखेंगे और इसमें अक्सर बेशतर लोग इस मर्ज के अंदर मुब्तला है, बात बुरी लगे तो अल्लाह के वास्ते माफ कीजिएगा, दिल शिकनी मकसूद नहीं है। एक बड़ा अच्छा जुमला लोग बोलते हैं हम गैर जानिबदार हैं। यहां पर झमेला हो रहा है, किसी मसले में इख्तिलाफ हो रहा है, नहीं भाई हम गैर जानिबदार हैं। क्यों? ये तो हक से भागने की बात है। आपको गैर जानिबदार नहीं होना है, आपको हक का तरफदार बनना है। एक इंसान में जुल्म हो रहा है, उसे पीसा जा रहा है, उसे मारा जा रहा है, उसे उसका नातका बंद किया जा रहा है, हम खामोश, हम गैर जानिबदार हैं, इससे बड़ा मर्दूद होने की अलामत है। क्या आपके सामने मर रहा है अब उसका सपोर्ट करने के लिए तैयार नहीं? अगर वो नाहक है नाहक बताइए, और अगर वो हक पर है उस हक का सपोर्ट कीजिए, ये इस्लाम का उसूल है। इसलिए गैर जानिबदाराना कहकर ये मुनाफिकत की बात होती है, मैं गैर जानिबदार हूं। एक हंगामा खड़ा हुआ, सैड ले लिया, सैड लेने की जरूरत नहीं है। गलत है तो गलत बोलिए, सच है तो सच बोलिए, इस्लाम इसका नाम है। उसी कहते हैं तबासी बिल हक, हक बात की वसीयत कीजिए। बहरहाल क्या कहा, मबनी पर हकीकत, अदल इंसाफ के मुताबिक सच्ची पक्की बात को हक कहा जाता है। हमारे नजदीक मजहब इस्लाम हक है या ना हक? भाई बताएं कोई, इस्लाम हक है या ना हक? हक है ना? जरा कितने भाई ऐसे हैं जिन्होंने इस्लाम का प्रचार एक लफ्ज भी किया होगा? इस्लाम अगर हक है, हक का प्रचार होने का करने का हुक्म दिया गया है,
وَالَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَى وَدِينِ الْحَقِّ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ وَكَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا اور کہے گا وَالَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَى وَدِينِ الْحَقِّ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ وَلَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُونَ اللہ جس نے اپنے رسول کو ہدایت کے ساتھ اور دین حق کے ساتھ بھیجا ہے کیوں بھیجا لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ تاکہ اس دین حق اسلام کو دنیا کے سارے دینوں پر غلبہ عطا کر دیں کتنی کوشش ہم نے کی ہے اگر ایک دائی اسلام پیدا ہوا مبلغ اسلام پیدا ہوا اپنی کوشش کے ذریعے سے پوری دنیا میں اسلام کا پرچار کیا اس کے خلاف اپنے بیگانوں کی سازشیں رچی گئی انہیں ملک سے باہر جانا پڑا اتنی بھی ہمارے اندر ہمت نہیں ہوئی اس بندے خدا کے لیے کچھ تائیدی جملے بول دیں نتیجہ اس کے بعد کیا ہوا جو بھی چھوٹے موٹے مبلغ اسلام نظر آتے ان کا بھی نابکا بن کیا آتی دائی اسلام کے نام سے جن کی بھی شہرت ہو جاتی انہیں جیل کے سلاخوں میں ڈالا جاتا جب بڑے بڑے کے انسان بڑے کو ملک سے بھگایا جا سکتا ہے تو چھوٹا کیا جیتے کیوں بھائی اس کی وجہ یہی ہے کہ ہم نے خاموش تماشائی بن کر اپنے آپ کو نمونہ عبرت بننے کے بجائے بالکل تماشائی بنا کے پیش کر دیا ہم کو لگتا ہے کچھ نہیں آتا ہے ہم تو غیر جانبدار ہیں کیا غیر جانبدار آتا ہے اشارہ سمجھ ہی سکتے ہیں آپ دین کا کام ہو رہا تھا کتاب و سنت کی ترویج و اشاعت ہو رہی تھی ایک مسلم ملک میں ایک صاحب کی گرفتاری کسی مسئلے میں آئی کہ فلاں کی میں تقریر سنتا تھا فلاں کی تقریر سننے سے وہ دہشت گرد نظر آیا اور اس کے نتیجے میں اس پر پوری پابندی لگا دی گئی اور جو دہشت گرد گھوم رہے ہوتے ہیں جنہوں نے فتنہ سامانی کا سارا سامان کر چکا ہوتا ہے ان کے بارے میں انسان کی نگاہیں اندھی ہو جاتی نہ کچھ سننے کے لیے تیار ہے اور نہ اس کو کچھ دیکھنے کے لیے تیار ہے کیسے ہم کہتے ہیں وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ حق کی وصیت حق اسلام ہے کتنی وصیت آپ نے کی ہے کسی غیر مسلم سے آپ کا سابقہ پیش آیا آپ نے کہیں کسی غیر مسلم کو دعوت دی ہے اسلام محدود رکھنے کا نام نہیں ہے اگر کسی مسلم سے یا کسی غیر مسلم سے تاجرانہ تعلقات ہیں دوستانہ روابط آپ کے قائم ہیں علاقائی اعتبار سے رہتے سہتے ہیں آپ کی ذمہ داری ان کو سمجھائیے زبردستی مسلمان مت بنائیے لیکن اسلام کی خوبی تو بتانا ضروری ہے آپ کے لیے کتنے بتانے والے ہیں اب بتائیے صحابہ کرام میں سے ہر فرد نے ذمہ داری سمجھی تھی کہ مذہب اسلام کا پرچارک ہمیں بننا ہے 144,000 صحابہ کرام نے حجت الوداع کے موقع پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ پابا رکاب تھے یہ حجت الوداع میں شامل تھے جب آپ نے حج کے خطبے دیے اس میں کہا اے میرے قوم کے لوگوں کیا میں نے تمہارے سامنے اللہ کا پیغام پہنچا دیا تو سبوں نے کہا یا رسول اللہ آپ نے پیغام پہنچا دیا اور پیغام پہنچانے کا حق ادا کر دیا تو آپ نے کیا فرمایا تھا اللہم اشہد اللہم اشہد اللہم اشہد اے اللہ تو گواہ رہنا اے اللہ تو گواہ رہنا اے اللہ تو گواہ رہنا میں نے تیرے بندوں تک تیرے دین کو پہنچا دیا اور یہ لوگ گواہی دینے کے لیے تیار اس کے بعد کیا فرمایا اَلَا فَلْيُبَلِّغُ الشَّاهِدُ الْغَائِبِ سنو جو یہ ہمارے پاس موجود ہیں سب کی ذمہ داری ہے ان لوگوں تک بات پہنچا دے جو یہاں موجود نہیں ہے صحابہ نے پہنچایا دین تب دین پھیلا ہے ڈیر عرب مسلمان پوری دنیا میں ہے ڈیر عرب کو تو بتا دیجئے ایک ایک آدمی کی ذمہ داری تو لیجئے لیکن کون بتاتا ہے سمجھتے مولوی صاحب کی ذمہ داری ہے سب کام مولوی صاحب کریں اور اس پر بھی ترہ میں بتاؤں آپ کو آج کل مولوی لوگ حق نہیں بولتے ہیں یہ بڑے اچھے اچھے جملے لوگوں کے نکلتے ہیں حق بولتے نہیں ہیں ایسا ہو جا رہا کچھ بولتے نہیں ہیں حکومت کی جانب سے اسلام کے خلاف اور مسلمانوں خلاف قانون بندی ہو رہی ہے یہ کچھ بولتے نہیں ہیں وہ بول بول کے تھک گئے کہ فجر کی نماز پڑھیے کتنا سنتے ہیں چار وقت کی نماز میں دعائیں آتے ہیں مولوی کی بات کتنی سنتے ہیں اور مولوی اس لیے نہیں بولتے کہ جو مولوی بولتا ہے گرفتار ہوتا ہے
उसके पब्लिक उसका साथ देने के लिए तैयार नहीं है, उसका केस लड़ने के लिए तैयार नहीं है, उसे जेल से निकलवाने के लिए तैयार नहीं है। तो आप तो घर में आराम से बैठे हैं, हम गैर जानिबदार हैं, मुनाफिकत का अड्डा लिए बैठे हैं और समझते हैं कि बस हम आराम से रहते हैं और ये सारा ठीक है मौलवी ले गए। अरे भाई याद रखिएगा, मौलवी अगर आपका लीडर है तो लीडर अकेला काम नहीं करता, उसके पब्लिक के साथ में सारा काम होता है। आपका इमाम नमाज पढ़ाता है, पीछे आप नमाज पढ़ते हैं, वो आपको लेके आगे बढ़ते हैं। अब आगे बढ़ने के लिए तैयार नहीं है तो अकेला ही नमाज पढ़ेंगे। वो सिर्फ नमाज का मसला नहीं है, वो जय मैदान जंग का मसला भी आ सकता है और ऐवान हुकूमत तक पहुंचने की बात भी हो सकती है। हर जगह पर आपकी रहनुमाई करेंगे, लेकिन आप तो प्रूफ तो दीजिए कि पीछे मुड़ के देखा इमाम साहब देखो कोई नहीं है। हालात खराब हो जाए, पुलिस के दो चार डंडे पड़ जाए तो बेचारा अकेला सीना से पर खड़ा है और सारे लोग भागे हुए, फिर एतराज क्या है? मौलवी साहब बोलते नहीं है। कितना सुनते हैं मौलवी साहब की बात। आप बड़े बड़े उलमा आपके पास हैं जो आपकी रहनुमाई करने के लिए तैयार, कितनी उनकी बात क्यों मानते हैं? इसलिए सुनिए, वतवासव बिलहक, अगर खुसरान और नुकसान से बचना चाहते हैं तो हक बात की वसीयत कीजिए। और सबसे बड़ा हक क्या है? सबसे पहला हक अल्लाह, अल्लाह के वजूद को तस्लीम कीजिए। तो इकरार करते हैं, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह, बहुत से हमारे भाई ऐसे भी हैं जो मुसलमान हैं, मुसलमान घर में पैदा हुए हैं, कलमा तक याद नहीं, रसूल का नाम, रसूल क्या है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उसका नाम क्या है, नाम याद नहीं है, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नाम है। ये मुसलमान है जिन्हें देख के शर्मा आई, किस मुंह से कहते हैं हमें तरक्की मिलनी चाहिए और नुकसान से हमें बचना चाहिए। तो अगर आप मुसलमान हैं, आपको कलमा याद नहीं है, कलमा का मफहूम याद नहीं है, कलमा का माना मतलब याद नहीं है, अगर पढ़ भी दिया किसी तरीके से ला इलाहा इल्लल्लाह, तो याद रखिएगा कहीं ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ने का हुक्म नहीं है, माफ कीजिएगा, शहादतन ला इलाहा इल्लल्लाह की गवाही देना है। और इससे पहले बात आ चुकी है, गवाही बंद कमरे में नहीं दी जाती, गवाही तन्हाई में नहीं दिया, मैं कलमा पढ़ता हूं, गवाही देता हूं कि अल्लाह किसी इबादत दिलाई, किसके सामने गवाही दी आपने? गवाही दूसरों के सामने दी जाती है, अदालत में खड़े होंगे, जज के सामने गवाह बनाकर आपको पेश किया जाता है, आप वकला की मौजूदगी में जज के सामने अपनी सफाई की गवाही आप पेश करते हैं। अगर इस्लाम में कलमा पढ़ते हैं तो इस्लाम की हक्कानियत की गवाही दीजिए और अल्लाह की उलूहियत का प्रचारक बनिए और मोहम्मद रसूलुल्लाह की रिसालत की शहादत दीजिए और कहिए अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्न मोहम्मद रसूलुल्लाह। चुपके से नहीं, जोर से कहिए। कितने जोर से कहते हैं भाई? अगर मस्जिद के मुअज्जिन ने मैक से कहा अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह और अशहदु अन्न मोहम्मद रसूलुल्लाह यानी अजान कहा, तो ऐसे दहरिया किस्म के मुसलमान भी हैं जिन्हें अजान से तकलीफ होती है। दूसरों को तकलीफ तो होती ही है, अपने को भी तकलीफ। जब देखो इन मौलवियों को काम ही नहीं, खाली अजान ही देते रहते। अब अगर पाबंदी लगती है मैक पर तो कुछ दूर के कुछ देर के लिए आदमी चिल्लाता है मैक पर पाबंदी लग गई। कभी आपने सोचा दी अजान कभी यूरोप के कलीसाओं में, कभी अफ्रीका के तपते हुए सहराओं में शान आंखों में नजस्ती थी जहादारों की और कलमा पढ़ते थे हम छाव में तलवारों की। आज तो घर में कलमा पढ़ना नसीब नहीं है, तलवार के सामने कलमा पढ़ना क्या माना होगा। इसलिए सुनिए, वतवास बिल हक, हक की वसीयत कीजिए, हक का प्रचारक बनिए। सबसे पहला हक अल्लाह, फिर उसके बाद रसूलुल्लाह और फिर उसके बाद अकीद आखरत। नतीजे के तौर पर मजमुई तौर से इस्लाम आपके सामने हक के साथ आया है। इस्लाम का मजमुई प्रचारक बनना अहले ईमान की जिम्मेदारी है कि जिसके नतीजे में इंसान अपने आप को खुसरान और नुकसान से बचा सकता है। अब करेंगे नहीं लेकिन बचने की तमन्नाएं लिए बैठे हैं, बच जाइएगा। क्या कहा? तवासी बिल हक कीजिए, यानी इस्लाम का प्रचारक बनिए। कितने भाई जिन्होंने प्रचार किया है अपने घर में हक बात नहीं बोलते हैं,
बाप को नहीं कह सकते, माँ को नहीं कह सकते, भाई बहन को नहीं कह सकते, और बीवी के सामने तो चली गई ही। सारी नाचने वाली बीवी हो, फहाशी करने वाली बीवी हो, हर एक से मिलने वाली बीवी हो, आपको कोई फर्क नहीं पड़ता है। बीवी जो कुछ कर ले, क्यों डरे सहमेगा? तो हक का प्रचार करने का मतलब क्या हुआ? जिसको आपने हक समझा है उसे वसीयत कीजिए, समझाइए बुझाइए। तो इस्लाम हक है, इस्लाम का प्रचारक बनिए। ऑफिस में काम करते हैं आप, दीनदार हैं, आपको मुस्लिम भाई गैर दीनदार है, कितने बार आपने इसको समझाया है? खड़ा खड़ा पेशाब करता है, आप उसके साथ देते हैं, लेकिन कभी उसे बैठकर पेशाब करने की तलकीन आप नहीं करते हैं। आप दोनों घर से निकलते हैं, मस्जिद में नमाज पढ़ते हैं, मस्जिद से नमाज पढ़ने के बाद बाहर निकलते हैं, इंसान पैसे पे आग लगाता, सिगरेट निकालता, टांगता है, नमाज पढ़ने वाला, कुरान पढ़ने वाला, जिक्र अस्कार करने वाला, लंबी लंबी बातें करने वाला इंसान मस्जिद से निकलेगा टाल लेगा, मारो सलफी से डर लगता है, देख लेंगे तो क्या कहेंगे, मारो सलफी खुदा है, अल्लाह से डरते नहीं हो, और किसी और से डरना शुरू कर दिया, निकला मस्जिद से शुरू हो गया, चले पान की दुकान में लिया और टालना शुरू कर दिया, ये कहां का इस्लाम? फिर उसकी बात, अगर पीते नहीं है आप उनके साथ में खड़े रहते हैं, क्यों खड़े रहते हैं? जब वो आपका हक में साथ देने के लिए तैयार नहीं है तो उसका ना हक में साथ देने के लिए तैयार क्यों? आप छोड़िए सीधे दोस्ती को और रिश्तेदारी खत्म कीजिए, ऐसी रिश्तेदारी को कोई जरूरत नहीं आप उनके साथ रहने की, ये तो मामूली थी जीत है। यहाँ शिर्क हो रहा है, कुफ्र हो रहा है, खुराफात हो रहे हैं, बिदअतें हो रही है, अय्याशियां हो रही है, फहाशियां हो रही है, नंगा नाच नाचा जा रहा है, हर किस्म की सारी सारी बुराइयां हम हो रही है, और वहां बैठे हम तमाशा देख रहे होते हैं, हम मजलिस में शामिल हैं, कहां अकबात की वसीयत? नुकसान से बचना हो अकबात की वसीयत कीजिए। वह इस्लाम मजमूई तौर से हक है, इस्लाम का प्रचार कीजिए, अपने घर में तो शुरू कीजिए। आप तो इस्लाम का, उस इस्लाम का प्रचार करते हैं जो आपके मन के मुताबिक हो, जिसमें आपका फायदा है। इसलिए मेरे भाइयों, अगर खुसरान और नुकसान से बचना है तो हक बात की वसीयत कीजिए। पहला हक अल्लाह, उसकी उलूहियत की गवाही दीजिए। दूसरा हक रसूलुल्लाह, उनकी रिसालत की शहादत तो गवाही दीजिए। इन दोनों के मानने के नतीजे में इस्लाम मजहबी एतबार से, दीनी एतबार से सबसे बड़ा हक है। उस दीन इस्लाम का प्रचार कीजिए, उसकी वसीयत कीजिए। अब आइए मामला, हक अल्लाह का भी हक है, बंदों का भी हक है, और साथ साथ अपना भी हक है। कभी कभी इंसान अपना ही हक देखता है, दूसरों का हक भूल जाता है, दूसरों का हक देखता है, अपना हक भूल जाता है, अल्लाह का हक देखता है, हुकूकुल्लाह को भूल जाता है, हुकूकुल्लाह की अदायगी करता है तो बंदों के हुकूक को भूल जाता है। कैसे भाई? दो हुकूक हैं, अल्लाह के हक और बंदों के हक, जिसे हुकूकुल्लाह और हुकूकुल इबाद कहा जाता है। कुछ लोग अल्लाह के हुकूक अदा करने में बड़े चाक चौबंद रहते हैं, भाई हम अल्लाह के साथ किसी को शरीक नहीं करेंगे, बड़ी अच्छी बात है, लेकिन उनकी जिंदगी में हुकूकुल इबाद का तस्वुर ही नहीं है। कुछ लोग हुकूकुल इबाद के लिए बड़े हैरान परेशान रहते हैं, हर वक्त उनके दर्द में घुले चले जाते हैं, जब देखिए फैसला करने के लिए जा रहा है, कहाँ जा रहे हैं भाई? दो इंसान के दरमियान इख्तलाफ, फैसला करने जा रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं? उनका मसला हल करने कहाँ जा रहे हैं? वो गरीब नादार कुछ ताबुन करने कहाँ जा रहे हैं? उनकी परेशानी दूर करने, बड़ा अच्छा काम है। उस बंदे खुदा से कहिए जरा एक वक्त की नमाज तो पढ़ लीजिए, फुर्सत नहीं मिलती है। बंदों के यहाँ कुछ काम करने में शोहरत मिलती है, आपका नफ्स मोटा होता है, फुर्सत मिल जाती है, और अल्लाह की बंदगी करने के नतीजे में आपके नफ्स को रौंदा जाता है,
आपको छोटा बना के पेश किया जाता है, आपकी नाक जमीन पर रगड़ दी जाती है तो आपको अच्छा नहीं लगता है, कौन पढ़ता है नमाज? ये तो मौलवी साहब का काम है, जिसको कुछ नहीं मिलता है वो अल्लाह अल्लाह करता रहे। ये हुकूकुल्लाह हुकूकुल्लिबाद, हम देख जानते हैं ऐसे लोगों को, जब देखिए कि बंदों के हकूक की अदायगी में हैरान और सरगर्दों परेशान है, लेकिन उस बंदे खुदा को एक वक्त की नमाज पढ़ने की तौफीक नहीं मिली। क्या नमाज हक नहीं है? तो हुकूकुल्लाह और हुकूकुल्लिबाद, अल्लाह ने क्या कहा, वकदा रब्बुका अल्ला तअबुदु इल्ला इय्याह वबिल वालिदैनि इहसाना। अगर बंदों का हक अदा करने की बारी आए तो सबसे बड़ा हक वालदैन का है, फिर वालदैन भी बाप के बिल मुकाबिल तीन दर्जा ज्यादा माँ का है, क्योंकि तीन वक्तों में सिर्फ माँ मुसीबत झेलती है, बाप आराम कर रहा होता है। हमल की परेशानी माँ झेलती है, दर्द दे की परेशानी माँ बर्दाश्त कर सकती है, दो साल अपने सीने से खून जिगर पिलाकर अपने बच्चों को तैयार माँ करती है, उसमें बाप को साथ नहीं रहता है। सिला से जब साहब ये रसूल ने अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा, अमन हक बहुसन साहबती, मेरी हुसन सलूक के सबसे ज्यादा मुस्तहिक कौन है? आपने तीन बार फरमाया तुम्हारी माँ, तुम्हारी माँ, तुम्हारी माँ, और चौथे बार फरमाया तुम्हारा बाप। कहाँ है माँ की ताजिम करने वाले लोग और उनके हकूक अदा करने वाले अफराद? बीवी की आंचल की हवा लगती है, माँ को सैड कर दिया जाता है। और बीवी तो बड़ी बात है, अगर किसी से शनाशाही हो गई, दोस्ती हो गई, मुआशका हो गया, उसके बाद क्या सुना दिया जाता, 9 महीना पेट में रखने वाली माँ याद नहीं आती, दर्द से की दिक्कत परेशानी बर्दाश्त करने वाली माँ याद नहीं आती, अपना खून जिगर पिलाकर बच्चों को तैयार करने वाली माँ याद नहीं आती। कहते क्या करो, उसे तो हमने वादा कर लिया है। वो कौन सा वादा है जिसने तुम्हारे माँ की ममता को खत्म कर दिया? ला हौल वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। बहरहाल क्या कहा, वतवासौ बिल्हक, हक की वसीयत, अल्लाह के हकूक है उसकी वसीयत करना, बंदों के हकूक है उसकी वसीयत करना। पर बंदों के हकूक में दर्जा क्या है, माल है, मालदार पर हक्कुल लिसाइली वल महरूम। माल आपके पास है, जो मांगने वाला था उसका भी हक है, जो महरूम कर दिया गया माल से उसका भी हक है, आपको देना होगा। नहीं देते हैं तो माल के हक अदा करने वाले आप नहीं हैं। अब थोड़ा सा फिर बरसने की तरफ आइए। कसम जमाने की इंसान घाटे में था, कसम जमाने की इंसान घाटे में है, और कसम जमाने की इंसान घाटे में रहेगा, मगर वो इंसान जिसने ईमान कबूल किया और अमल साले से अपने ईमान को आरास्ता पैरास्ता किया, वो इंसान घाटे में नहीं था, घाटे में नहीं है और घाटे में नहीं रहेगा। बुनियादी तौर से यही दो चीज है। उस अमल साले की मजीद तफसीर के तौर पर यह बात आई कि अमल साले तवासी बिल हक भी अमल साले हैं और तवासी बिस सब्र भी अमल साले ही, लेकिन इन दोनों को खसूसियत के साथ बयान करना इसलिए जरूरी है कि किसी इंसान का अमल साले पर बरकरार रहना मुमकिन ही नहीं है जब तक कि जिस चीज को अमल साले समझता है उसका प्रचार न कर दे। आपने जिसको हक समझा है, जब तक उसका ऐलान नहीं करेंगे वो हक आपके पास बाकी नहीं रह सकते। इसलिए मैंने कहा कि बिगड़े हुए माहौल में ईमान कबूल करने ना बड़ी बात है, लेकिन ईमान को बचा नहीं सकते अगर आपके पास अमल साले का हथियार नहीं है, और अगर आपने अपने आप को अमल साले के लिए रास्ता तैयार कर लिया है तो आपका अमल साले पर कायम दायम रहना मुमकिन ही नहीं है जब तक उस अमल साले का प्रचार करके दूसरों को उसका हमनवा न बना ले। और इसी तरीके से हक का प्रचार करना पूरे तौर से बाकी नहीं रह सकता है जब तक के हक पर अमल करने के नतीजे में जो दिक्कत और परेशानी आती है उन परेशानियों पर सब्र करने की तलकीन न की जाए और खुद भी सब्र न किया जाए। ये बड़े तरतीब, बड़े हुस्न तरतीब के साथ कुरान मुकद्दस ने खसारा और नुकसान से बचने का रास्ता बतलाया है। आज हर इंसान कहता है नुकसान हो गया, खसारा हो गया, मुसलमान हैरान है, परेशान है,
वे पुरसान हार नहीं है, वो धुतकारे जा रहे हैं, वो ललकारे जा रहे हैं, वो मुबलंची के शिकार हो रहे हैं, हजूमी तशद्दुद में गिरफ्तार हो रहे हैं, जेल के सलाखों में डाला जा रहा है, इस्लामी कानून को बदला जा रहा है, इंसानी हकूक़ की पामाली की जा रही है, जहाँ जहाँ देखिए उसके खिलाफ वर्दी हो रही है। जो मजहब के ऊपर अमल करने की आज़ादी थी वो गसब कर लिया जाता, आज़ादी छीन ली जा रही है, इस किस्म की बातें तो सब हो रही है, लेकिन उसके खिलाफ आवाज उठाने के लिए कौन तैयार है? आप इसलिए नहीं बोलेंगे कि पार्टी का हाथ आपके सर पर है, आप इसलिए नहीं बोलेंगे कि किसी ने एतबार से आपसे आपका उनसे रिश्ता जुड़ा हुआ है। अब काम नहीं बनेगा जब तक उसके तलबे नहीं चाटेंगे, उसकी खुशामद नहीं करेंगे। तो मुसलमान खुशामद करने के लिए पैदा हुआ है, वो कफस बरदारी के लिए पैदा हुआ है, वो जिल्लत हारी के लिए पैदा हुआ है, हरगिज नहीं। अल इस्लाम यालू वला योला, इस्लाम मगलूब नहीं गालिब है, गलबा के लिए पैदा हुआ है। दीन कुल्ले कुरान का है, सारे दीनों पर गलबा अता किया जाए, इसलिए अल्लाह तबारक व तआला ने दीन इस्लाम के साथ, दीन हक के साथ मोहम्मदुर रसूलुल्लाह की बेइज्जती की है। हमने क्या किया है अंदाजा लगा लीजिए, पूरी दुनिया के मुसलमानों की जानिब से इस्लाम के साथ जो जुल्म बर्बरियत का मामला किया जाता है उसके नतीजे में इंसान गिरफ्तार है अल्लाह के अदाब के, और अल्लाह ने मुसल्लत कर दिया जालिम बंदों को। आज अगर हम किसी जालिम की हुक्मरानी में रहते हैं, ये समझ लीजिए कि अल्लाह तबारक तआला ने ऐसे बंदों को हम पर मुसल्लत किया है, या अकीदा रख दिया कि अल्लाह के हुक्म के बगैर पत्ता नहीं हिलता है, कोई हुकूमत बना लेगा, कोई हुक्मरानी करेगा, कोई कानून बदल देगा, कोई दस्तूर के खिलाफ वर्जी करेगा, हो नहीं सकता है। ये तो अल्लाह तबारक तआला ने ऐसे असबाब पैदा कर लिया कि जैसे को तैसा, जैसी करनी वैसी बननी, जैसा करोगे वैसा भुगतो तुम। इसलिए अगर खसारा और नुकसान से बचना है तो कुरान मुकद्दस की सूरह सूरतुल असर में बयान करदा इन खूबियों को अपनी ज़िंदगी में लाने की कोशिश कीजिए, और यकीन जानिए कि अल्लाह तबारक व तआला ज़रूर बिज़रूर आपको नुकसान से बचाएगा। अगर मजमूई तौर से उम्मत इस काम को करने के लिए तैयार नहीं है तो इनफरादी तौर से कामयाबी तो आपको मिलेगी नहीं। वो चीज़ आपके सामने है कि नबी की मौजूदगी में नबी की खिलाफ वर्दी की जाती है, तो उस खिलाफ वर्दी के नतीजे में जहां पब्लिक को नुकसान पहुंचता वहां रहनुमा और लीडर को भी नुकसान पहुंचता है। जंग उहद का जायजा आप ले लीजिए तो अंदाजा होगा कि तीर अंदाजों को एक जगह मुतय्यन किया गया, उन्होंने जगह छोड़ दिया, नतीजे के तौर पर हमला आवर कुफार मुशरिकीन का लश्कर हमला आवर हुआ और रहमतुल्लिल आलमीन के सर में खौत की छड़कड़ियाँ चुभी, आपके दंदान मुबारक शहीद हुए और बदल लहू लहान हो गया। क्यों हुआ? कि उनके मानने वाले लोगों से इश्तिहादी लगनिश और भूल हो गई थी। इसलिए अगर हम चाहते हैं गलबा, हम चाहते हैं तरक्की, हम चाहते हैं खुसरान से बचना, हम चाहते हैं नुकसान से निकलना, हम चाहते हैं अपने आप को तबाही से बचाए रखना, तो कुरानी उसूल के मुताबिक ईमान सही सालिम कीजिए, ईमान को अमले साले से आरास्ता पैरास्ता कीजिए, और इन दोनों जेवरात से मुरस्सा और मुजय्यन होने के बाद अब कोशिश ये कीजिए कि जिसको आपने हक समझा है उस हक को दुनिया वालों तक पहुंचा दीजिए, और फिर उसके बाद मुखालफत हो तो भागिए मत, परेशानी आए ईमान का सौदा मत कीजिए, दिक्कत आए ईमान से हाथ मत फेर लीजिए कि ठीक है भाई हम आपके कानून से राजी हो जाते हैं, जैसा करेंगे वैसे ही रहेंगे। कुरान मुकद्दस इन सिलसिले में जो रहनुमाई की है, अल्लाह के लिए सब्र कीजिए और सब्र करने की तलकीन कीजिए। 32 करोड़ मुसलमान हिंदुस्तान की सरजमीन पे आबाद है, एक नबी खड़ा होता है पूरी दुनिया को मुकाबला करने के लिए तैयार है। उस नबी की उम्मती का यह हाल एक जगह पर 32 करोड़ की तादाद में हो और हमेशा धमकियां दी जाए निकाल बाहर करो, हमेशा धमकी दी जाए इसके साथ ऐसा वैसा बर्ताव करो, और किसी की जबान खुलती नहीं है और कुछ जज्बाती लोग जबान खोलते भी है तो वह पटाक बनते हैं, उन्हें अपने रहनुमाओं की रहनुमाई की ताजीम नहीं होती, वो और पटाक करके निकल जाते हैं और नतीजे के तौर पर उसकी वजह से कुछ काम भी नहीं होता, कहते हैं मुंह भी जल गया और स्वाद भी नहीं मिला। इसलिए होशियार रहिए, बेदार मग रहिए, अल्लाह उसके रसूल के फरमान के मुताबिक अपने आप को तैयार रखिए, यकीनन
नुकसान और खुसरान से बचना और बचाना आपका काम है, आप खुद भी बचेंगे और जो बिगड़ी हुई उम्मत है जिसकी कश्ती डूबती चली जा रही है, अगर आपने सहारा नहीं दिया तो याद रखिएगा, आप ये सोचिएगा मेरे महल में तो आग नहीं लगी है, बगल के झोपड़पट्टी में आग लगी है, उस आग का कुकड़ा जब उड़ेगा और उसके जो शोले इधर उधर जाएंगे और फिर आपकी खिड़की और दरवाजे में लगेंगे, फिर आपके घर को जो नजर आदिश किया जाएगा तो पता चलेगा कि आग जलने की कैफियत क्या होती है और उसके नुकसान क्या होते हैं। बुराइयां पनपती हैं अगर आपने मिटाए नहीं, हक की आवाज यह हो कि बुराई मिटा दीजिए, अगर आपने मिटाने की कोशिश नहीं की तो याद रखिएगा हमेशा डर के रहिएगा, दो चार गुंडा बदमाश आपके मोहल्ले में तैयार हो जाए, देखने के बाद रास्ता बदल दीजिएगा, वो शेर बन जाएगा, शरीफों का गुजरना उसके लिए मुश्किल हो जाता है, वहां से गुजरना मुश्किल हो जाता है, शरीफ जातियां वहां से गुजर नहीं सकती क्योंकि उन्हीं का राज चल रहा है, उसके कान पकड़िए, दो चार तमाचे रसीद कीजिए, अहले मोहल्ला उसके खिलाफ, अहले मोहल्ला उसके खिलाफ बगावत करे, उसके खिलाफ तैयारियां करे, देखिए कैसे वो ठंडा हो जाता है, चूंकि आप ऐसा करेंगे नहीं, क्यों, आपको डर इसलिए रहता है कि उन्हीं गुंडा बदमाश से आपका काम चलता है, कल कोई आपके खिलाफ कुछ करे उसी कुछ खिला पिला दिया और वो आपके सामने कल्ला ऊंचा करके आता है, शरीफ लोग नीचे चले आते हैं। तो जब तक इस किस्म की मुनाफिकत नहीं छोड़ेंगे याद रखिएगा, न तरक्की पाएंगे और न खसारे से अपने आप को निकाल सकेंगे। अल्लाह से दुआ की जलाल आलमीन हम जुमला मुसलमानों की किताब अल्लाह और सुन्नत रसूलुल्लाह के मुताबिक खसारा से निकलने का सामान करने की तौफीक बरामद फरमाए। अकुल कौली हादा वास्तगफिरुल्लाह ली वलकुम वलिसाइल मुस्लिमीन واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين تكيلان